हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाल क्यूट वर्ल्ड। तो आज आपको टाइटल एंड थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड डिलीशियस मैंगो पिकल। तो मैंगो पिकल की रेसिपी मेरी मम्मा बनाना सिखाएंगी आपको। इसकी रेसिपी आपको मेरी मम्मा बताएंगी कैसे बनेगा। ये बहुत ही कम तेल में बन जाने वाला ये अचार है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी, और पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि मेरी मम्मा आपको बहुत सी ऐसी टिप्स बताएंगी जिससे अचार ख़राब नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। जैसे कि अभी आपको ईशाल ने बताया कि आज हम बना रहे हैं मैंगो पिकल यानी कि आम का अचार। तो ये देखिए, हमने आम का अचार बहुत ही टेस्टी हम बनाने जा रहे हैं। और इसमें जो इस आम की ख़ास बात है वो ये है कि इसमें मसाला जो है वो इसके अंदर तक रहता है, और जब हम खाते हैं तो इसमें साथ में ही इसके मसाला भी आता है। ज़्यादा तेल वाला अचार जब बनाते हैं तो उसमें मसाला जो है वो निकल जाता है, खाली आम के पीसे जाते हैं। तो ये हम बहुत ही कम तेल से बनाएंगे और इसमें बहुत कम तेल लगता है। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर लिए हमने 4 kg कच्चे आम, इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और अच्छे से कपड़े से सुखा लिया है। यहाँ पर देखिए हमने इसको काटा है और 4 pieces हम इसके करेंगे और सभी इसमें से गुठली जो है वो निकाल देंगे। सभी मैंगो हम काट लेंगे एक एक करके और फिर हम इसमें मसाला डालेंगे। पहले हम इसमें क्या करेंगे, पूरी रात के लिए इसमें नमक और हल्दी लगा कर छोड़ देंगे। यहाँ पर नमक और हल्दी हमने इसमें डाली है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और फिर रात में पूरी रात हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उससे क्या होगा कि इसमें इस नमक जो है वो पानी काफ़ी तादाद में छोड़ देगा, और सुबह हम इसको पानी में से निकाल कर धूप में डालेंगे। यहाँ पर देखिए कितना पानी छोड़ दिया है नमक और हल्दी ने। अब हम इसको धूप में डाल रहे हैं, ये हम पूरी दोपहर इसको धूप में लगाएंगे, और पूरी जब तक धूप रहेगी तब तक आप इसको धूप में रखिए। और जो ये अंदर का हिस्सा रहता है इसको हमें धूप की तरफ करना है। देखिए ऐसे हमें इसको रखना है ताकि अंदर तक इसमें धूप अच्छे से लग जाए। और पूरे दिन की धूप लगाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसाले हम इसमें जो डालेंगे वो आप देख लीजिए क्या क्या है। ये है इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर हमने देखिए ये सौंफ ली है और हमने इसको रोस्ट कर लिया था पहले, और अब हम इसको ग्राइंडर में डालेंगे। इसको हमने पीसना है, पहले इसको पीस लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए इतना ही हमें ग्राइंड करना है। देखिए, और उसके बाद हम जो डालेंगे इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट्स जो है वो है धनिया। उसको भी हमने पहले अच्छे से भून लिया है, अब इसको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये दो ही मसाले जो हैं वो हमें ग्राइंड करने हैं, बाकी जो मसाले हैं वो सब हमें ऐसे ही डालने हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने जो अचार हमने धूप में सुखाया था इसको हमने डाल लिया है एक खुले बर्तन में, और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जो हमने ग्राइंड किया हुआ मसाला है, सौंफ और धनिया। उसके बाद हम ये सभी मसाले ऐड करेंगे। ये है मेथी दाना और ये कलौंजी, और ये है नमक। अब हल्दी डाल देते हैं, ये है मिर्च, ये तीखी मिर्च है, और ये अजवाइन, और ये है हींग। अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। देखिए सभी जो हमारे पीसेज हैं उनमें अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए ये मसाला,
और यहाँ पर ये हमने लिया है एक पैकेट सरसों का तेल। ये हमने तेल को ऐसे ही डालना है, पका के नहीं डालना है। जब हमारा अचार धूप में रखा जाएगा तो ये धीरे धीरे इसी अचार के साथ पकता रहेगा। धूप में बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है और तेल की बिल्कुल भी नहीं आती है। देखिए, अब तेल डालने के बाद हम इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। हमने पूरा पैकेट तेल का नहीं डाला है, अभी बचा लिया है तेल, उसमें इतना ही तेल इसमें डालेंगे। थोड़ा आपको अगर लगे कि कम है तो आप और डाल सकते हैं। देखिए, पूरा पैकेट तेल अभी हमने नहीं डाला है और काफ़ी अच्छा इसमें तेल नज़र आ रहा है। अब हम इसको 10 से 15 दिन की धूप लगाएंगे और 10-15 दिन के बाद ये देखिए हमारा अचार बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है और मसाला देखिए इसके अंदर तक मसाला है, ये निकला नहीं है। देखिए ये पूरा मसाला इसके अंदर है और जब आप इसको खाते हैं तो मसाला भी इसके अंदर तक रहता है और ऐसा नहीं होता है कि तेल अलग हो गया और मसाला अलग हो गया है। देखिए मसाला भी साथ में है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है बनने के बाद भी। आप इसको 5 साल 10 साल कभी कितने भी दिन तक आप इसको रखिए, ये ख़राब नहीं होता। ये मेरी मम्मी ऐसे बनाती थी, ये उन्हीं का तरीका है बनाने का, तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि यह अचार आपको कैसा लगा। मेरे यहाँ तो सभी बहुत शौक से खाते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है और मसाला भी सब अच्छे से इसमें बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, कोई भी कच्चा मसाला नहीं है। आप इसको 10-15 दिन रखिए धूप में, उसके बाद आप किसी भी जार में भरकर आप इसको रख दीजिए। चाहे आपके पास चीनी का जार है या फिर आप प्लास्टिक का कोई भी आपके पास जार है उसमें आप इसको भर के रख दीजिए और फिर जब तक धूप है धूप में रखते ही रहिए, वरना अगर धूप नहीं है तो भी आप इसको किचन में ऐसे ही रख दीजिए, ये ख़राब नहीं होता है। मेरे पास अभी भी 8 साल पुराना अचार रखा हुआ है और वो बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ कलर चेंज हो जाता है लेकिन अचार ख़राब नहीं होता। और अब हम इसको एक बाउल में सर्व करेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और देखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है ये अचार। सिर्फ देखने में नहीं खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा प्लीज़। सो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे सारी वीडियोस में आप बताइए कि कैसी लगती है आपको मेरी वीडियोस। और फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।